ने ही खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे। गिलगित से गारो पर्वत तक आजादी का पर्व मनाएंगे। आज प्रत्येक भारतवासी मुहरे गुंजरित होउची पूर्वतन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ही कविता। नूतन संसद प्रतिष्ठा एक कविता मने पकाइबाकु बाध्य करिछि। नूतन संसद प्रतिष्ठा जहाकु कुआ जाय परे भारत नवनिर्माण नूतन अध्याय एवं हिंदू पुरातन संस्कृति पुनः उद्धार, यार प्रत्येक कारुकार्य रही भारतीय संस्कृति छाप। नूतन संसद भवन में रही अखंड भारत नक्सा। ए नक्सा एवं भारतीयों पर गर्वर विषय पलटि। ऐतिहासिक परिवर्तन पर एबे मोदी पलटि प्रत्येक प्रशंसार पात्र। आगामी 25 वर्ष रे देश को एक विकसित राष्ट्र रे परिणत करने को कथा देछंती मोदी। गत 29 मे रविवार दिन नूतन संसद भवन रा प्रतिष्ठा करा जायतिला एवं से दिन थिला वीर सावरकर 140तम जयंती। एहि ऐतिहासिक उत्सव रे वाचस्पति आसन निकट रे सेंगोल रो स्थापना करा जायतिला जहाँ को प्रतिष्ठा करथिले प्रधानमंत्री मोदी। तेबे संसद भवन रा प्रत्येक कारुकार्य देशवासी को गौरवान्वित करिछि। लोकसभा कांथरे शोभा पाउछि राष्ट्रीय पक्षी मयूर। सेहिपरि राज्यसभार उपरी भाग रे राष्ट्रीय फूल पद्म को सुसज्जित करा जायछि एवं संसद प्रांगण रे लागिछि राष्ट्रीय वृक्ष बरगछ। हिंदू संस्कृति रा प्रत्येक अंश ए स्थानित करा जायछि। तेबे सबुठारु चर्चार विषय पलटिथिबा प्रतिछवि होउछि संसद रे रहिथिबा अखंड भारत नक्सा। एहि नक्सा रे भारत सीमा को संपूर्ण रूपे दर्शा जायछि एवं पाखरे थिबा पुरातन पत्थर रे खोदित होइथिबा मूर्ति को रखा जायछि जाकु अनेक जन सोशल मीडिया रे पोस्ट करथिले। एहि नक्सा एबे प्रत्येक भारतीयों पर गर्वर विषय पलटिछि। संविधान एक ऐतिहासिक परिवर्तन पर सारा देश एवं मोदीमय हो उठी। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।